की मौजूदगी जो है कहा गया कि ना होने पर नैप की टीम ने जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी। फिर उनको रायबंद रवाना किया जाता है। आज पूरा दिन ये सारा हम देखते हुए आ रहे थे, इसको फॉलोअप कर रहे थे, अभी तक गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आ सकी है। अब कल का दिन भी अहम करार दिया जा रहा है, तो आखिर इशू क्या है? शहबाज शरीफ साहब तो हमें कहते हुए नजर आए थे कि अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो मैं हाजिर हूं, अब वो गैर हाजिर क्यों नजर आ रहे हैं? रहमान रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कोरोना की बात की और कोरोना का पूरे जोबन के साथ पाकिस्तान पर 22 करोड़ आवाम को डैमेज करना, हकूमत की तरजीहात और नैब का दिन रात एक करके अपोजिशन लीडर को पकड़ने का जो एक कोरोना के मुकाबले में दूसरा कोरोना का रोल नज़र आ रहा है। शबाशी साहब 5 अक्टूबर 2000 जब 19 को गिरफ्तार होते हैं और 5.5 महीने वो जेल में रहे, उनको साफ पानी में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तारी डाली गई। 64 दिन का उनका रिमांड नैब ने लिया और फिर 23 अक्टूबर को उन्होंने यही जो असासा जात हैं उनमें गिरफ्तारी डाल ली और रमज़ान शुगर मिल में उनकी गिरफ्तारी डाली। और आप फिर ये देखें कि जब 64 दिन का रिमांड काटा, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल में ये चीज़ें सारी डिस्कस होगी, तो आज उसी केस में दोबारा शबाशी साहब पिछली पेशी पे जाते हैं। आपके इलम में है कि नैब लाहौर के अबव 60-70% जो ऑफिसर हैं वो कोरोना में डिक्लेयर हो चुके हैं।